हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं? लॉकडाउन में घर के अंदर बंद पैक, और निश्चित रूप से वजन सभी का बढ़ रहा होगा। मेरा भी बढ़ गया बहुत ज़्यादा। वो लोग जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं उनका भी वजन बढ़ना तय है। सुविधाएं घर की मिल रही हैं, तो क्या किया जाए ताकि आपकी सेहत बिल्कुल सही रहे, और जब वापस आप काम पे जाएं या ऑफिस में पहुंचे तो ये ना लगे कि कोई नया बंदा ही जॉब पे आ गया। आपके साथ वाले आपको पहचानने से इनकार ही ना कर दें। इतना ज़्यादा चेंज बॉडी में ना आ जाए, इतना ज़्यादा वजन ना बढ़ जाए। कुछ छोटी सी बातें याद रखिए। डेली का रूटीन तो बना ही लीजिए। जितना काम आप ऑफिस में करते हैं या जो आपका वर्क प्लेस होती है जहाँ पे आप काम करते हैं, जितने घंटे काम करते हैं, अपने लिए एक अलग कोना निकाल लीजिए घर में। अलग कोना, इतनी जगह तो होगी। अलग कमरा निकाल लें तो और भी अच्छी बात है। अलग कमरा ना मिले तो एक अलग टेबल और बिस्तर पर बैठ के काम बिल्कुल मत कीजिए। अपनी टेबल, वर्किंग टेबल पर जाइए, वहाँ बैठ के काम कीजिए, और एज पर शेड्यूल जैसे आप ऑफिस में काम करते हैं उस तरह से काम कीजिए ताकि आपको लगे आप ऑफिशियल काम ऑफिशियल तरीके से कर रहे हैं, ऑफिस में बैठ कर ही कर रहे हैं। और एक रूटीन के साथ ही करिए। मान लीजिए कि आप 8 घंटे का काम करते हैं, बीच में 1 घंटे का लंच होता है, तो एग्जैक्टली वही रूटीन फॉलो कीजिए ताकि आपको ऑफिस में जब आप पहुँचें दिक्कत ना हो और आपके काम में कोई बाधा ना आए। साथ ही साथ अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका एक रूटीन बना रहेगा और वो बिस्तर में बैठ के काम करने वाली आदतें नहीं पड़ेंगी और निश्चित रूप से आपका वजन भी नहीं पड़ पाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, आप एक गैप लेना सीखिए। अगर आप लगातार 30 मिनट कहीं बैठे रह गए हैं, लगातार इवन अपने टेबल पे, चेयर पे या बिस्तर पे, 30 मिनट के बाद एक 5 मिनट का गैप जरूर ले लीजिए। उठ के वॉक कर लीजिए कमरे के अंदर या लॉबी में या टेरेस के ऊपर, जहाँ भी स्थान हो वहाँ एक वॉक कर लीजिए और वापस फिर आधे घंटे के लिए जम जाइए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, घर को घर मत मानिए, घर को मानिए कि आप ऑफिस में बैठे हैं और सब कुछ आपके पास, भले ही आपकी टेबल तक पहुंचाने के लिए तैयार है, लेकिन वैसे ही फॉलो कीजिए जैसे आप कैंटीन में जाके कई बार खुद खाते हैं। उस तरह से खुद चल के जाइए, खुद अपने लिए खाना लाइए, लंच लाइए या डिनर लाइए या ब्रेकफास्ट जो भी है, स्नैक्स वगैरह खुद लेके आइए और अपने टाइम पर ही लाइए, और जितना आप खाते हैं उससे कम खाइए। लॉकडाउन में अधिक बैठने का मौका मिल रहा है तो उसको थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। जो रेगुलर खाना जितना आप खाते हैं उससे थोड़ा सा कम खाइए, क्योंकि आपकी एक्सरसाइज हो नहीं रही, कोई भी एक्सरसाइज नहीं हो रही। साइकिलिंग, स्किपिंग या स्विमिंग, या आप जिम जाते हैं वो भी नहीं जा रहे, तो इन सारी चीज़ों के अभाव में निश्चित रूप से आप अपनी कैलोरीज का इनटेक कम करेंगे तो आपकी सेहत थोड़ा सा साथ देगी और उतना तेजी से आपका वजन नहीं बढ़ेगा। और थोड़ा सा समय सभी के साथ बिताइए, ऐसा नहीं कि आप अपने मोबाइल के साथ, और खासतौर से बच्चों के लिए जो अधिक समय अपना मोबाइल पर या कंप्यूटर पर देना पसंद करते हैं, लैपटॉप पर देना पसंद करते हैं, उनको भी चाहिए थोड़ा सा समय बड़ों के साथ। भले ही आप बैठ के चेस खेलिए, लूडो खेलिए, खेले या कैरम बोर्ड, कोई भी ऐसा बोर्ड गेम खेल लीजिए, कमरे के अंदर खेल सकते हैं, कुछ नहीं अंताक्षरी खेल लीजिए, टहलते हुए खेल लीजिए, लेकिन ऐसा गेम मत खेलिए जिससे कि आप बिस्तर में बैठे बैठे या लेटे लेटे आसानी से कर सकें। थोड़ा सा कोशिश कीजिए बिस्तर से उठने की, टेबल से उठने की, कमरे से बाहर निकलने की, और घर में अगर जगह है तो एक कमरे से दूसरे कमरे में जाइए। किसी भी कारण से अपने कदम चलाते रहिए, दिन में कई बार चलाइए। अगर आप 2-3 फ्लोर में रहते हैं तो बिना किसी कारण के ऊपर चढ़िए और नीचे उतरिए, दिन में 20-30 बार सीढ़ियां चढ़िए और उतरिए, ये भी एक अपने आप में अच्छी खासी एक्सरसाइज हो जाती है। और बाकी योगा अगर आप कर सकते हैं उससे अच्छी कोई बात ही नहीं। कुछ योगा जो आप रूटीन में कर सकते हैं, योगा में आपको अधिक स्थान भी नहीं लगेगा, अधिक समय भी नहीं लगेगा, बस एक रूटीन बनाने की जरूरत है। तो निश्चित रूप से एक रूटीन बनाइए, एक निश्चित कार्यक्रम बनाइए प्रतिदिन का, और वैसे ही काम कीजिए जैसे आप ऑफिस में करते रहते हैं। तो अगर आप ये 4-5-6 चीजें फॉलो करेंगे, साथ ही साथ पानी का इंटेक बढ़ाइए, जितना अधिक पानी आप पियेंगे उतनी आपको भूख कम लगेगी, और पानी वैसे भी बॉडी में शुद्धता लाता है, बॉडी को आपका नमी को कमी कम करता है, और जो नमी कम हो रही थी उसका पूर्ति करता है। तो पानी की इनटेक बढ़ाइए, फ्राइड चीजें जितनी कम हो सके उतना खाइए, मीठा जितना कम हो सके उतना खाइए, बस फिर क्या है, 5-7 चीजें फॉलो कीजिए। फॉलो करते रहेंगे तो घर बैठे बैठे कब आपका लॉकडाउन का पीरियड कट गया समझ में नहीं आएगा। अब तो जैसा भी है आपको घर के अंदर ही रहना है, कब तक लॉकडाउन रहेगा, फिलहाल 3 मई तक हो ही गया है, संभावना है उसके बाद भी आगे बढ़ सकता है या छूट मिलेगी 3 तारीख को, पता लगेगा। जो स्थितियां हैं जैसी भी है उसमें खुश रहिए, कुछ ना कुछ पॉजिटिव करते रहिए, और एक जगह टिके मत रहिए।
हमेशा मूवमेंट में रहिए और निश्चित कार्यक्रम बना के रहिए। बस इतनी चीजें फॉलो कीजिए और अगर समय निकलता है तो मेरे वीडियोस देख लीजिए, बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं अलग अलग विषयों पे, कुछ कॉमेडी के वीडियोस हैं, रेसिपीज हैं, कुछ अनबॉक्सिंग है, टेक्नोलॉजी है, मोटिवेशनल है, कुछ और भी बहुत सारे वीडियोस हैं, न्यूज एंड रिव्यूज हैं। तो बस देखते रहिए और पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिए, उसके बाद बेल आइकन दबाइए, आपको एक बार ही करना है, बार बार नहीं करना। और बस इससे अधिक कुछ करना नहीं, समय आपका बीत ही जाएगा अच्छे से। कमेंट जरूर करके बताइए कैसे लगते हैं मेरे वीडियोस और क्या देखना चाहते हैं। इसके साथ ही समाप्त करता हूं, स्टे होम, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बाय बाय।